हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की सब्जेक्ट है मेरे पास हमारा पर्यावरण, और सब्जेक्ट का चैप्टर है जल संचयन एवं पुनर्भरण। ठीक है, पुनर्भरण, पुनर्भरण। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस चैप्टर का जल संचयन एवं पुनर्भरण का अभ्यास कराऊंगी। तो सबसे पहले हम अभ्यास निकाल लेते हैं। देखो, अभ्यास है हमारे पास। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। का प्रश्न है, वर्षा जल पुनर्भरण के लाभ बताइए। क्या प्रश्न है का? वर्षा जल पुनर्भरण के लाभ बताइए। तो इसका उत्तर होगा, वर्षा जल पुनर्भरण से निम्न लाभ हैं। आवश्यक अनुसार जल की प्राप्ति, जमीन के अंदर जल मात्रा बढ़ना, नगर जल समस्या दूर होना, जल स्तर नीचे न गिरना, मिट्टी का कटाव कम होना व कृषि फसलों को हरा भरा बनाया जा सकना आदि। ठीक है, उसके बाद हमारे पास खा प्रश्न है, भू जल का स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है। इसका उत्तर होगा, वर्षा की कमी व जल की अधिक मांग होने के कारण भू जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद गा प्रश्न है, भूजल में वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो इसका उत्तर होगा, वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण से भूजल में वृद्धि की जा सकती है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारे पास, जनसंख्या वृद्धि का भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर होगा, जनसंख्या वृद्धि से भूजल की मांग बढ़ती है जिससे जल स्तर नीचे गिरता जाता है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न, वर्षा जल संचयन का अभिप्राय बताइए। उत्तर होगा, वर्षा जल संचयन का अभिप्राय है, वर्षा के जल को एकत्र करके कुओं, तालाबों और गड्ढों आदि को फिर से भरकर पानी की समस्या दूर करना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, जल का आपके जीवन में क्या महत्व है। तो इसका उत्तर होगा, जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जल पीने के लिए, सिंचाई के लिए, सफाई के लिए व उद्योग धंधों आदि कार्यों के लिए आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, वर्षा जल का संचयन एवं पुनर्भरण क्यों आवश्यक है। उत्तर होगा, वर्षा जल का संचयन एवं पुनर्भरण भू जल आपूर्ति और भू सतही जल द्वारा सभी कार्यों के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारे पास, अपने घर की छत के वर्षा जल का संचयन कैसे करेंगे। उत्तर होगा, घर से थोड़ी दूर पर 2 से 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर गड्ढे को ईंट, कंकड़ और बजरी से भर देते हैं, फिर उसके ऊपर मोटी रेत डालते हैं। इस गड्ढे में छत पर गिरने वाले वर्षा के स्वच्छ जल को इकट्ठा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है, समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने के योग्य नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद खा है, भूजल एवं भूसतही जल प्रकृति द्वारा कम मात्रा में प्राप्त है। उसके बाद है अगला, तालाब, पोखर आदि जल संचयन जल संचयन के प्राचीन साधन रहे हैं। ठीक, उसके बाद है अगला, भूजल में वृद्धि जल संचयन करके कर सकते हैं। ठीक है, क्या भरा जाएगा यहाँ पे, जल संचयन करके कर सकते हैं। उसके बाद है, शहरों में पक्के मकानों के कारण वर्षा जल भूमि के अंदर कम प्रवेश होता है। ठीक है, उसके बाद है अगला, उन्नत किस्म के धान एवं गेहूं की फसल उगाने के लिए अधिक सिंचाई की
उन्नत किस्म के धान एवं गेहूं की फसल उगाने के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कुछ नहीं भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगला, भारत की जल नीति वर्ष 1987 में बनाई गई थी, ठीक। अगला है, राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है, ठीक है। अगला है हमारे पास तीसरा प्रश्न, सही जोड़े बनाएं। पन बिजली किससे मिलेगा? जल, विद्युत ऊर्जा से। दूसरा है पुनर्भरण, ये किससे होगा? भूजल भंडार। उसके बाद है गोदावरी, इसे मिलाएंगे हम नदी से। जलभृत वर्षा जल, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।